हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मूडी रिया। सो आज का वीडियो में हम करने वाले हैं गोलगप्पा 24 आवर्स गोलगप्पा चैलेंज। सो इसमें मैं 24 आवर्स जो भी मेरा लंच ब्रेकफास्ट डिनर और फिर अगर मैं शाम को कुछ स्नैक्स वगैरह ले लूँगी तो उस जगह पे भी, तो टोटल 4 मील होने वाले हैं जो कि मैं सिर्फ खाने वाली हूँ गोलगप्पे। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी बचे हैं 10, यस हाँ अभी 10 बजे हैं और इस टाइम में मुझे गोलगप्पे तो कहीं बाहर मिलेंगे नहीं। और मैंने डिसाइड मतलब ऐसे प्रिपेयर नहीं किया था कि मुझे आज करना ही है, तो पैकेट तो मेरे पास थे बट मैंने जो रेडीमेड जो बनते हैं दुकान में वो मैंने नहीं लाया है। सो मैं अभी जो रेडीमेड पैकेट वाले होते हैं उन्हीं को बनाऊंगी और उसको ही खाएंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा लेट ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है, सो मैंने इसको बना लिया है तो दिखाती हूँ आपको। सो ये रहे हमारे गोलगप्पे और ये मैंने आलू का चोखा खुद से बनाया है और खाना। ये ना गोलगप्पे से थोड़ा ज्यादा कड़क है। ऑलरेडी मैंने फिल कर दिया इसको, थोड़ा सा और डालती हूँ मिर्ची नहीं, पर मिर्ची नहीं। सो गाइज आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट और देखते हैं लंच में हम कहीं बाहर से मंगाते हैं या फिर तो मुझे फिर यही सेम खाने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहती इसको खाना क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर से मंगाऊँ और वो अच्छे वाले खाऊँ, क्योंकि है तो ये चिप्स ही, तो असली वाले गोलगप्पे का टेस्ट ही अलग होता है। सो लेट्स सी कि मिलता है कि नहीं, तो मिलती हूँ आपसे मैं लंच के टाइम में। सो अभी हो रहा है मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं निकली हूँ गोलगप्पे वाले को ढूंढने के लिए। वैसे हमारे यहाँ पे लाइक बंगाल में इसको पुचका बोलते हैं, तो मैं पुचके वाले को ढूंढ रही हूँ ताकि हमें पुचका मिल सके, क्योंकि मुझे बनाना है एक और वीडियो। तो मैंने सोचा कि पहले लेके आ जाती हूँ उसके बाद वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि उसके बाद इतना थक जाते हैं ना कि फिर बाहर जाने का और लेके आने का तो मेरे में एनर्जी रहेगा नहीं। ओके सो आई एम डन विथ माई वीडियो और देख सकते हो आप लोग पसीना कितना आ जाता है, मुझे एक सेकंड में पसीना आ जाता है, लाइक एक सेकंड में। तो चलो फिर मैं फ़ोन भी, मेरा चार्ज नहीं है तो मैं फ़ोन को थोड़ा। सो ये रहा हमारा गोलगप्पा और ये थोड़ा सा अभी नरम हो गया है क्योंकि काफ़ी लेट कर दिया मैंने वीडियो बनाने में, तो इसलिए अब हमें ये नरम पुचके ही खाने पड़ेंगे, बट कोई बात नहीं। ओके सो शुरू करते हैं हमारा गोलगप्पे खाना, भूख लगी है तो खा ही लेते हैं। टोटल 10 गोलगप्पे हैं और देखती हूँ कि मैं कितने खा पाती हूँ। सो चीयर्स। गर्मी लगने शुरू हो गई, पसीने आ गए। सुबह जो बैंड बजने वाली है ना वो मेरे को इमेजिन हो रहा है अभी से। हमारी पुचका चोरी हो गई। ओह माय गॉड, हमारा पानी भी चोरी हो गया। हमें खाना है, खाना हमारा पेट नहीं भरा है ना बेबी? पेट नहीं भरा है। सो गाइज लंच के बाद मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की एंड उसके बाद फिर हम लोग ने सोचा कि थोड़ा सा वॉक ले लिया जाए। फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि उसको प्लांट्स लेने के लिए एक फ्रेंड के घर पे जाना है, तो मैंने सोचा कि चलो फिर चलते हैं। और उसके बाद हम आए यहाँ पे और ये बहुत ज़्यादा अंदर है, मैं बहुत थक गई थी लाइक बहुत ज़्यादा, लेकिन जो नेचर देख के मैं बहुत खुश हो गई। और ये देखो आप कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, मतलब मेरे को लग पता ही नहीं था कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे इस तरह का भी कुछ है। सो बहुत अच्छा लग रहा था देख के एंड हमने सोचा कि चलो कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं एंड थोड़ा सा नेचर का मज़ा लेते हैं। ओके सो ये देखो आप लोग कितनी दूर तक है ये घास। वैसे यहाँ पे घर भी है बहुत सारे, पहले नहीं थे अब तो बनने लगे, इस तरफ खेती होती थी ज़्यादा। सो ये है पूरा गोल, से आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह का है ये। मेरी सांस फूल गई यार, बहुत अंदर है ये, बहुत ज़्यादा अंदर। ये देखो, ओह माय गॉड व्हाट अ ब्यूटी। बे किची बेबी कैसा है ये, अच्छा लग रहा है तुमको? कौआ कौआ कहाँ है कौआ? हाँ रुक जा,
ओके सो हम लोग अभी थोड़ा सा फोटोज़ क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ और भी। अभी हम जा रहे हैं घर क्योंकि अंधेरा हो गया और फोटोज़ अच्छी आ नहीं रही है, बट मैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइम फिर से ज़रूर आना चाहूँगी। सो अभी टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हैं एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, और क्योंकि मैंने दोपहर में उतना ज़्यादा खाया भी नहीं था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट खाते हैं क्योंकि पानी वाला खाने का मन नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ड्राई चाट की तरह बनाया। देखो कितना बड़ा।